Start with the eighth one. It says half of a herd of deer are grazing in the field, and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. अब यार सबसे पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ हर्ड ही नहीं पता कितनी है, ठीक है? तो उसको ही लेट करना पड़ेगा. टोटल नंबर ऑफ डियर इज लेट बी एक्स. अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड विच इज एक्स ओवर टू. अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है हमें, नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर. नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि यार देखो एक्स तो टोटल है और नंबर ऑफ डियर ग्रेस कितने कर रहे हैं, एक्स बाय टू. अब मेरे को ये सोचना है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय. अगर एक्स टोटल है और ग्रेस अगर एक्स बाय टू कर रहे हैं तो रिमेनिंग कितने हो, रिमेनिंग डियर वुड बी एक्स माइनस एक्स बाय टू. सो इट वुड बी 2x माइनस एक्स ओवर 2x बाय टू. रिमेनिंग तो तभी एक्स बाय टू बचे ना हमारे. अब हमें ये सोचना है कि कितने नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग, कितने होंगे, 3/4, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग विच इज एक्स बाय टू. सो इट इज 3x ओवर 8, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नंबर ऑफ डियर आर ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ डियर आर ड्रिंकिंग वाटर. सो इट वुड बी 9. कितने लोग मतलब कितने डियर ड्रिंक कर रहे हैं, 9. अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कैसे हम इसको फुलफिल कर सकते हैं. एक तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ डियर कितने, इट इज एक्स. टोटल नंबर ऑफ डियर आर एक्स, और कुछ हमारे ग्रेस कर रहे हैं, कुछ हमारे रिमेनिंग है मतलब रिमेनिंग में दे आर प्लेइंग, और कुछ हमारे दे आर ड्रिंकिंग वाटर. तीन काम कर रहे हैं, कुछ ग्रेस कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं और कुछ पानी पी रहे हैं. ग्रेस कितने कर रहे हैं हमारे, एक्स बाय टू. खेल कितने रहे, 3x/8. ऑन हाउ मेनी आर ड्रिंकिंग वाटर, 9, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा यार, आफ्टर इट एक्स बाय टू को लेफ्ट साइड लेकर जाओगे, 3x/8 को लेफ्ट साइड लेकर जाओगे. सो एक्स माइनस एक्स बाय टू माइनस 3x/8, और राइट साइड पे आपका क्या रहेगा, 9 रहेगा, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. सो इट वुड बी 8, एलसीएम वुड बी 8. पहले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, सो इट विल गिव यू 8x. दूसरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, सो इट विल गिव यू 4x. लास्ट वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इट वॉन्ट बी मल्टीप्लाइड, गलती से लिख दिया 2, इट विल बी 8 ओनली एंड 3x ओनली, राइट साइड पे 9, ठीक है? अब आपके पास क्या बचा, 8x माइनस 4x माइनस 3x. सो नाउ रिड्यूस इट, 8x माइनस 7x कितना हो गया, x ओवर 8 इज इक्वल टू 9. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 9 इंटू 8, एंड 9 इंटू 8 इज 72. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 72. सो दैट मीन्स द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज